सभी श्रोताओं को उषा टंडन का नमस्कार और प्रणाम। सुगम संगीत के क्षेत्र में लगभग 50 वर्षों तक सुर साधना करके मैं आज आप सबके सामने रूबरू हूँ। कोरोना महामारी ने हम सभी को अपने अपने घरों में रहने के लिए मजबूर किया। इस लॉकडाउन की स्थिति में हम सबका मनोबल ऊंचा रखने के लिए केवल कुमार जी ने और अशोक हमराही जी ने एक बहुत सुंदर प्रोग्राम की संरचना की है। घर पर रहें, घर पर सुने रोज नए गाने, वाह कितना सुंदर संदेश है। मुझे इस प्रोग्राम की 3 बातें बेहद पसंद है। पहली विशेष बात, इस प्रोग्राम के तहत हमको रोज एक नया गीत, एक नई धुन, एक नया संदेश सुनने का सुअवसर मिल रहा है। दूसरी विशेष बात कि इस मंच के द्वारा वरिष्ठ कलाकार के साथ साथ युवा उभरते कलाकार उन सब को संगीत की सभी विधाओं में गाने का बराबर अवसर देकर इसको सफल बनाया। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस प्रोग्राम से हम हमारी संस्कृति से अपने बच्चों को जोड़ रहे हैं और ये एक बहुत सफल प्रयास है। केवल जी के विशेष आग्रह पर आप सबको अपनी एक गजल की 2 लाइनें सुना रही हूँ। हालांकि इस उम्र के पड़ाव पर स्वर, स्केल और सांस साथ नहीं देते हैं, फिर भी एक कोशिश है। इस गजल के शायर जनाब शफक लखनवी साहब हैं और मरहूम मेरे उस्ताद राहत अली खान साहब ने तर्ज बनाई है, जो कि 42 साल पहले उन्होंने बनाई थी। फिर सता लेना ये हालात सुधर जाने दो, फिर सता लेना ये हालात सुधर जाने दो, एक जरा गे सुए जाना को सवर जाने दो, फिर सता लेना ये हालात सुधर जाने दो, वक्ते रुखसत है जरा और घड़ी भर ठहरो, वक्ते रुखसत है जरा और घड़ी भर ठहरो, अपनी तस्वीर तो आँखों में उतर जाने दो, अपनी तस्वीर तो
आँखों में अपनी तस्वीर तो आँखों में उतर जाने दो, एक जरा गेसुए जाना को सवर जाने दो, फिर सता लेना ये हालात सुधर जाने दो, सुधर जाने दो। इस कार्यक्रम के सभी कलाकारों को, श्रोताओं को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद, प्रणाम।